एससी वर्मा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का न्यूमेरिकल वन। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी। तो यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में एक हमें गैस दिया हुआ है और वो आइडियल गैस है। आइडियल गैस का मतलब क्या कि आइडियल गैस उस गैस को कहते हैं जो फॉलो करता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी ए इक्वेशन। इस इक्वेशन को फॉलो करने वाला गैस जो होता है दैट इज द आइडियल गैस। और क्वेश्चन में कहा है कि एट एसटीपी, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, कौन सा टेम्परेचर प्रेशर स्टैंडर्ड होता है? तो प्रेशर होता है 1 एटमोस्फेयर और टेम्परेचर होता है 273। एसटीपी दिया है मतलब ये प्रेशर और टेम्परेचर हमें गिवन है और ये गैस 1 मोल दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में उसका वॉल्यूम कितना होगा ये फाइंड करना है। तो आइडियल गैस मतलब ये इक्वेशन मिल रहा है पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो इसमें पी मतलब प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड आर ये यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट होता है और टी का मतलब टेम्परेचर। तो ये वॉल्यूम की टर्म यहाँ पे मिल रही है तो हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आएगा एन आर टी डिवाइडेड बाय पी। तो इसमें अगर वैल्यू पुट करते तो वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉल्यूम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दिए हमें 1। आर की वैल्यू कितनी लेनी है? तो आर की वैल्यू कौन सी यूनिट में लेते उस पर लेनी है। आर देखो जैसे कि आर का यूनिट क्या आएगा, तो ये पी वी, पी इंटू वी डिवाइडेड बाय एन अपॉन टी। तो पी वी मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ये होता है वर्क डन मतलब इसका यूनिट होगा जूल, और ये नंबर ऑफ मोल और ये केल्विन, टेम्परेचर का केल्विन। तो जूल पर मोल पर केल्विन ले सकते हैं, या यहाँ पे प्रेशर दिया है हमें, प्रेशर जो दिया है ये दिया है एटमॉस्फेयर में, तो इसका यूनिट अगर लेते हम एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम का यूनिट लेते अगर लीटर, और ये पर मोल पर केल्विन अगर ये यूनिट लेते हैं, तो आर की वैल्यू हमें लेनी है 0.082 और ए यूनिट। अगर ए यूनिट लेते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.314 ए यूनिट। तो यहाँ पे ऑलरेडी ए दिया है 1 एटमॉस्फेयर, तो 1 वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन इजी होगा, तो बेटर है कि ए वैल्यू लेते हैं आर की, तब कैलकुलेशन भी इजी होगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते V इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 1, R की वैल्यू 0.082 इंटू टेम्परेचर दिया है 273 केल्विन डिवाइडेड बाय प्रेशर दिया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं। तो 273 और 0.082 का मल्टीप्लीकेशन अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हमें वैल्यू मिल रही 22.386, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है 22.386। अब ये लीटर में लिया था तो ये वॉल्यूम आ जाएगा इतना लीटर, या इसे राउंडिंग ऑफ भी करते तो वॉल्यूम आ जाएगा, इसे 8 को एलिमिनेट करते हुए यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 22.4 लीटर इतना इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ये होगा वॉल्यूम। तो एक्चुअली ये न्यूमेरिकल ही क्यों दिया है, तो ये पढ़ाने के लिए हमें पढ़ाना चाहते हैं कि अगर आइडियल गैस होगा 1 मोल होगा और एट एसटीपी मतलब इस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 273 टेम्परेचर पर इसका वॉल्यूम आता है 22.4 लीटर। तो ये एक्चुअली वैल्यू पता ही होनी चाहिए, ये कॉन्स्टेंट है, इस कंडीशन पर यही वॉल्यूम आ जाएगी, या इस कंडीशन पर ये टेम्परेचर आएगा, ये वो प्रेशर होगा, ये वॉल्यूम होगा, ये आइडियल गैस, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, तो ये पढ़ाना चाहते हैं इसलिए ये न्यूमेरिकल बना दिया। अगर हम इसका कन्वर्जन करना चाहते हैं वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो वो कन्वर्जन भी कर सकते हैं। तो हमें पता है कि 1000 लीटर, 1000 लीटर होता है इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर कितना होगा, इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करें मतलब 10^-3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 लीटर मतलब इतना मीटर क्यूब, तो इतने लीटर मतलब कितना, तो ये आएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू मीटर क्यूब में
22.4 इंटू 10^-3 मीटर क्यूब। इस तरह से इस यूनिट में हमने उसका कन्वर्जन कर दिया। अब बुक में जो आंसर दिया है ये डेसिमल एडजस्ट करते हुए ये 2 पॉइंट, तो बुक का जो आंसर होगा ये होगा 2.24 इंटू 10^-2। इस डेसिमल को इस साइड में ले लिया मतलब यहाँ पे 10^-2 मीटर क्यूब ये आ जाएगा वॉल्यूम।